आज मैं ताजे मटर की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे 2 छोटी कटोरी ताजा मटर। इसको हमें पीसना है तो मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसी में डाल देंगे 2 हरी मिर्चें, तो इसको मैं तोड़ ले रही हूँ, और 1 छोटा सा बंच है, ये देखिए आधा बंच के करीब होगा धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को इसमें डालने से इसका स्वाद भी बढ़ेगा और कलर भी बढ़िया आता है। अब इसी में डाल देंगे 2 से 3 चुटकी हींग। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको बाउल में खाली कर लेंगे। अब इसी मिक्सी जार में डाल देंगे 1 छोटी कटोरी उड़द की धोई, मतलब कि धुली हुई दाल, जो हम इडली और डोसे में डालते हैं ना, वही वाली दाल है। तो इसको मैंने अच्छे से धुलकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगा लिया है, जिससे ये दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें लगभग 1 टेबल स्पून पानी डालकर इसका महीन पेस्ट तैयार करना है, और थोड़ा सा पानी डालकर ही पीसेंगे, क्योंकि उड़द की धोई या दाल जो होती है उसको ऐसे पीसने में काफी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको भी महीन पीस लेंगे, और जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी का यूज कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अब इसको भी मटर के साथ में ही खाली कर लेंगे। उड़द की धोई डालने से ये बहुत ज्यादा फ्लफी होगा, बाइंडिंग अच्छी आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मटर और उड़द की धोई के हिसाब से आप गरम मसाला ले लीजिएगा। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से करीब 5 मिनट तक फेंटेंगे, जिससे थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। इस तरह से इसको हाथ से फेंटना है। तो इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मटर बिना पानी डाले ही पिस जाता है, और अगर आपको जरूरत लग रही है तो 1 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिएगा। ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि हमें इसका गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इसका कलर भी आप देख पा रहे होंगे लाइट हो चुका है, और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब इससे हम वड़िया बनाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टील की ट्रे ली हूँ, आप चाहे तो कोई थाली या फिर प्लेट भी ले सकते हैं, और चाहे तो पॉलीथीन पर भी इन बड़ियों को डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी बड़ियाँ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बड़ियाँ नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसको सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, और इसको तोड़कर फिर हमें सब्जी में डालना पड़ेगा। इस तरह से छोटी छोटी बनाएंगे तो ये जल्दी से सूख जाता है, और इसको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और बड़ियाँ बनाते समय आपको प्लेट में ऑयल या घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से निकल जाएंगी। और अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं एक और तरीका बता रही हूँ। तो इस तरह का पाइपिंग बैग लेंगे, या तो फिर रिफाइंड ऑयल या नमक का पॉलीथीन ले लेंगे, और उसमें इस बैटर को भर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में भरकर इसको इसकी किनारी को कट कर ली हूँ। अब इससे हम छोटी छोटी बड़ियाँ ऐसे बनाएंगे। ये ज़्यादा आसान तरीका है, जैसे आप पाइपिंग बैग भरकर तैयार कर लीजिए, और धूप में छत पे या कहीं भी जहाँ भी आपको बड़ियाँ बनानी हो वहाँ पर ले जाइए, और इससे इस तरह से बना लीजिए। आपको हाथ धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फटाफट बन भी जाती हैं, छोटी छोटी भी बनती हैं। तो जो तरीका आपको ज़्यादा पसंद आए उस तरह से आप ये बड़ियाँ बना लीजिए। तो उतने पेस्ट में देखिए 1 थाली और 1 ट्रे में मैंने ये बड़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। अब इसको मैं 2 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखाकर फिर आपको दिखा रही हूँ, और तेज धूप होती है तो एक ही दिन में ये बड़ियाँ सूख जाती हैं। तो ये देखिए सारी बड़ियाँ बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं, और इनको सूखने में लगभग 1.5 दिन लगा है। 1.5 दिन मतलब कि 1 दिन पूरा मैंने इसको धूप में रखा, और दूसरे दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखी हूँ। तो बहुत अच्छे से ये सूख चुकी हैं। अब इसको प्लेट से निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत आसानी से ये बड़ियाँ निकल जा रही हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक बड़ी को हम निकालेंगे, और देखिए ऐसा नहीं है कि अंदर से ये ठोस है, अंदर से ये खोखला जैसा है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम इन बड़ियों को बनाएंगे तो ये हार्ड नहीं होंगी, एकदम सॉफ्ट होंगी,
और मैं यहाँ पर काफी छोटी छोटी बड़ियां बनाई हूँ जिसकी वजह से ये जल्दी सूख गई हैं। और पहले दिन धूप भी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी 1.5 दिन में ये बड़ियां सूख चुकी हैं। तो इस तरह से एक एक आप चाहे निकालिए और चाहे तो कोई पलटा ले लीजिए, इससे इस तरह से एक साथ ज्यादा निकलेगा। ये देखिए, और देखिए ट्रे वाली भी अच्छे से सूख चुकी हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी ताजे मटर की बड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं। इसको स्टोर करके आप साल भर के लिए रख भी सकते हैं। जब भी कुछ अलग सी सब्जी खाने का मन हो तो ये बढ़िया निकालिए और फटाफट बना लीजिए। तो आगे के आने वाले वीडियो में मैं इसे सब्जी बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी ताजे मटर की बढ़िया बनाकर रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।